हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़ अगेन। आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। और दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सेकंड टाइप ऑफ इम्यूनिटी, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी कि इम्यूनिटी के दो टाइप्स होते हैं, इननेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी में हमने देखा कि जो इम्यूनिटी हमारे बॉडी में बाई बर्थ प्रेजेंट होती है, जो हमारे कुछ बॉडी स्ट्रक्चर, हमारे कुछ जेनेटिक्स फीचर्स के कारण जो हमारी बॉडी में डिजीज को रोकने की काम करती है, ऐसी इम्यूनिटी को हम इननेट इम्यूनिटी बोलते हैं। बाय बर्थ होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है, इनमें कोई प्रीवियस मेमोरी जनरेट नहीं होती प्रीवियस डिजीज से रिलेटेड, ठीक है। तो ऐसी इम्यूनिटी को हम बोलते हैं दैट इज इननेट इम्यूनिटी, इनबॉर्न इम्यूनिटी, जो बाय बर्थ होती है, ठीक है। सारे डिजीजेस के लिए इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो जनरल होता है, कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ये शो नहीं करती, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस दैट इज इंडिविजुअल एक्वायर्स ड्यूरिंग लाइफ इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हम देखते हैं कि इंडिविजुअल जो है उसके बॉडी में एक रेजिस्टेंस डेवलप होता है फॉर डिजीजेस थ्रू आउट द लाइफ। तो जब डिजीजेस के लिए रेजिस्टेंस डेवलप होता है थ्रू आउट द लाइफ एक्सपीरियंसेस इज कॉल्ड एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो कि हमें थ्रू आउट लाइफ अलग अलग नए नए डिजीजेस होते हैं और वो जब भी कोई डिजीज होता है उसकी मेमोरी हमारी बॉडी स्टोर कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन को टाइफाइड हुआ तो टाइफाइड बैक्टीरिया से जो बैक्टीरिया अंदर आया उस बैक्टीरिया के बारे में बॉडी ने मेमोरी स्टोर कर ली। अब अगली बार वही बैक्टीरिया अगर बॉडी में फिर से आता है तो बॉडी इमीडिएटली अपना एंटीबॉडी सिक्रेट करके उसको किल कर देती है, ठीक है। तो बॉडी मेमोरी स्टोर करके रखती है डिजीजेस के बारे में, जो कि उसको आगे आने वाले डिजीजेस यानी फ्यूचर डिजीजेस के लिए प्रिपेयर करता है, ठीक है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि ये जो इम्यूनिटी हमारे बॉडी में डेवलप होती है ये थ्रू आउट लाइफ डेवलप होती है, एक्सपीरियंसेस के कारण डेवलप होती है। नए नए डिजीजेस आते रहते, नए नए वायरसेस बॉडी में आते रहते, उनके एक्सपीरियंसेस के कारण ये इम्यूनिटी डेवलप होती है। ऐसी इम्यूनिटी को हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। सो इट इज द रेजिस्टेंस दैट एन इंडिविजुअल एक्वायर्स ड्यूरिंग लाइफ इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज अडैप्टिव इम्यूनिटी, क्योंकि हमारी बॉडी अडैप्ट करते जाती है खुद को अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द न्यू बैक्टेरियाज, अकॉर्डिंग टू द न्यू वायरसेस, ठीक है। हमारी बॉडी खुद को अडाप्ट करते जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट इज़ अ स्पेसिफिक इम्यूनिटी। स्पेसिफिक यानी एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया पे ही एक पर्टिकुलर टाइप की एंटीबॉडी रिलीज होगी और उसी को खत्म करेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमारे बॉडी में टाइफाइड बैक्टीरिया आया है तो हमारी बॉडी जो है कोलेरा की एंटीबॉडी बनाएगी, नहीं। टाइफाइड के लिए पर्टिकुलर टाइफाइड की ही एंटीबॉडी बनती है और उसी को किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो बेसिकली ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज इन द बॉडी। तो बॉडी में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन ये लीड करती है, मतलब हमारे बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी पैथोजन आता है तो उसके लिए हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है उसको किल करने के लिए, और हर एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है। अगर टाइफाइड का बैक्टीरिया आ रहा है तो उसके लिए एंटीबॉडी परफेक्ट टाइफाइड वाली ही होगी, ठीक है। अगर कॉलेरा बैक्टीरिया आ रहा है तो परफेक्ट कॉलेरा वाली ही एंटीबॉडी होगी। तो हर एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है, ठीक है। इसी वजह से इसको हम स्पेसिफिक इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ये इम्यूनिटी में कुछ यूनिक फीचर्स है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक है इस इम्यूनिटी के, यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के, वो हम इस वीडियो में अभी डिस्कस करेंगे और इसके टाइप्स भी डिस्कस करेंगे हम आगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला यहाँ पे क्या हमको फीचर दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहला फीचर हम देखते हैं यहाँ पे, द फर्स्ट फीचर, चलिए। तो फर्स्ट फीचर हमको दिखाई देता है दैट इज स्पेसिफिसिटी। इसमें हम देखते हैं स्पेसिफिसिटी, इट कैन प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी और टी लिम्फोसाइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर एंटीजन और अ पैथोजन। मैंने अभी अभी बताया आपको कि हर बैक्टीरिया के लिए, हर वायरस के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी या स्पेसिफिक टी लिम्फोसाइट्स बनता है, ठीक है। तो ऐसे में एक स्पेसिफिक एंटीजन को मारने के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी यहाँ पे सिंथेसाइज होती है। तो स्पेसिफिसिटी यानी ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये स्पेसिफिक होती है नेचर से, मतलब पर्टिकुलर बैक्टीरिया को मारने के लिए एक पर्टिकुलर केमिकल ही बनेगा, ठीक है। इसके अलावा डाइवर्सिटी, इट कैन रिकॉग्नाइज वास्ट वैरायटी ऑफ डाइवर्स पैथोजन एंड फॉरेन पार्ट मॉलिक्यूल्स। तो हमारी ये जो इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये वैरायटी ऑफ नए जितने भी नए नए वायरस या बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आते हैं सभी को रिकॉग्नाइज करने की काबिलियत रखती है और सभी की मेमोरी स्टोर करके रखने की काबिलियत इसमें होती है। जैसे आज अगर किसी को कोरोना वायरस का डिजीज हो जाता है तो कोरोना के अगेंस्ट भी बॉडी एंटीबॉडी बना के रख रही है, उसके अगेंस्ट भी मेमोरी सेल बन रहे हैं, तो फ्यूचर में कोरोना डिजीज होने के चांस कम है। लेकिन अगर वो पर्सन की इम्यूनिटी बहुत ही वीक है तो चांस है कि उसको फ्यूचर में भी दूसरी बार भी कोरोना हो सकता है, ठीक है। तो ये है कि हमारी बॉडी में जो भी नया वायरस आता है या बैक्टीरिया आता है उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी मेमोरी बना के रखती है, तो वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को ये रिकॉग्नाइज कर सकती है। नेक्स्ट, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। तो अगेन ये इम्यूनिटी ही रिस्पॉन्सिबल होती है बॉडी के सेल्फ पार्टिकल और नॉन सेल्फ पार्टिकल को डिस्टिंग्विश करती है। जो बॉडी का खुद का पार्ट है उसको वो हार्म नहीं पहुंचाती है इम्यूनिटी, लेकिन जो बॉडी का
पार्ट नहीं है, जो नॉन सेल्फ है, जो बाहर से आया है, उसको ये खत्म करे बिना नहीं छोड़ती। ठीक है, मेमोरी की बात करते हैं, तो मेमोरी हमने बोला जैसे कि कभी भी कोई भी ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में आता है पहली बार, तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट मेमोरी प्रोड्यूस करके रखती है। ठीक है, तो फर्स्ट एनकाउंटर रिटेन्स द मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर। तो कभी भी कोई भी ऑर्गेनिज्म का फर्स्ट एनकाउंटर होता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई पहली बार अगर आता है तो वो हमको डिजीज कॉज कर सकता है, लेकिन उस टाइम हमारी बॉडी उसकी मेमोरी बना के रख लेती है। दूसरी बार जब वो फिर से आता है तो सेकंड एनकाउंटर के टाइम पे इम्यून रिस्पांस फास्ट होता है और इमीडिएटली उसको किल कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं सेकंड एनकाउंटर विद सेम पैथोजन ब्रिंग्स अबाउट क्विकर एंड स्ट्रॉन्गर इम्यून रिस्पॉन्स। तो दूसरी बार अगर आएगा तो इम्यून रिस्पॉन्स काफी क्विक होगा, काफी स्ट्रॉन्ग होगा और उसको यहाँ पे टिकने नहीं देगा बॉडी में। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के बारे में कि इम्यूनिटी के कितने टाइप्स है। बेसिकली एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो टाइप्स होते हैं, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है, बेसिकली हमारी बॉडी एक्टिवली रिस्पांसिबल होती है फॉर सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडी। हमारी बॉडी जब खुद से केमिकल प्रोड्यूस करके, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारेगी, ऐसी एक्वायर्ड इम्यूनिटी को एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोला जाता है। ठीक है, द इम्यूनिटी, द टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ध्यान से सुनना, द टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी इन विच आवर बॉडी टेक्स एक्टिव पार्ट फॉर एंटीबॉडी सिंथेसिस। ठीक है, जब हमारी बॉडी एक्टिव पार्ट लेती है एंटीबॉडी सिंथेसिस में एंड किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सो दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एज एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो ऐसी इम्यूनिटी जो कि हमारी बॉडी जब जिसमें हमारी बॉडी एक्टिवली पार्ट ले रही है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है इन सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडी एंड किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, बाकी पैसिव में क्या होगा, हमारी बॉडी एक्टिवली पार्ट नहीं लेगी, दूसरी जो है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, हमारी बॉडी एक्टिवली पार्ट नहीं लेगी, हमारी बॉडी एंटीबॉडी खुद से नहीं बनाएगी, कहीं बाहर से लाएगी, बाहर से लेगी रेडीमेड। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं सबसे पहले एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज द रेजिस्टेंस डेवलप बाय द इंडिविजुअल एज अ रिजल्ट ऑफ एंटीजेनिक स्टिमुलस। तो जब भी हमारे बॉडी में कोई एंटीजन आता है, फॉरेन पार्टिकल आता है, पैथोजन आता है, बैक्टीरिया आता है, वायरस आता है, तो हमारी बॉडी एक्टिवली उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। ठीक है, एक्टिवली उसके अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस करती है, इम्यून रिस्पॉन्स, जिसके वजह से उसको किल करने में हेल्प होती है। तो यही है, इट इज द रेजिस्टेंस डेवलप बाय इंडिविजुअल। ये रेजिस्टेंस खुद इंडिविजुअल डेवलप कर रहा है, बाहर से नहीं ले रहा है उधार। ठीक है, सो इट इज द रेजिस्टेंस डेवलप बाय इंडिविजुअल एज अ रिजल्ट ऑफ एंटीजेनिक स्टिमुलस। तो जब भी कोई एंटीजन हमारे बॉडी में आएगा, हमारी बॉडी एक्टिवली एंटीबॉडी केमिकल्स प्रोड्यूस करके उसको किल करेगी, बाहर से रेडीमेड लेगी क्या, नहीं। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो नोन एज एडाप्टिव इम्यूनिटी, इसी को एडाप्टिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी में भी नेचुरल और आर्टिफिशियल, ये दो टाइप की होती है। नेचुरल, या तो नेचुरली हम अपनी एक्टिव इम्यूनिटी को जागरूक कर सकते हैं, यानी कैसे, अगर फॉर एग्जाम्पल हम नेचुरली हमें कोई डिजीज हो जाता है, चलो नेचुरल की ही बात कर लेते हैं पहले, नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, अगर हमें नेचुरली कोई डिजीज हो जाता है, मान लो टाइफॉइड हो गया, कोलेरा हो गया और कोई डिजीज हो गया, ठीक है, कोरोना हो गया फॉर एग्जाम्पल, भगवान ना करे हो, बट हो गया, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, एक्टिवली उसको मारने के लिए एक्टिवली हमारी बॉडी एंटीबॉडी सिक्रीट करेगी। ठीक है, हालांकि इसमें कुछ टाइम लगेगा, ठीक है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन लग सकता है। तो ये टाइम जो रिक्वायर्ड होता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए, मेमोरी सेल प्रोडक्शन के लिए, ये टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है। उतने टाइम में बैक्टीरिया वायरस अपना नंबर इतना बढ़ा लेता है कि हमें डिजीज़ हो जाता है, हमें कोरोना हो जाता है, हमें टाइफॉइड हो जाता है, हमें कॉलेरा हो जाता है। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी भी बनाई, उस टाइम पे हमारी बॉडी ने मेमोरी भी बनाई। अब अगली बार अगर वही सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेम कोरोना वायरस, सेम टाइफॉइड बैक्टीरिया, सेम कॉलेरा का बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आता है, तो हमारी बॉडी उसको इमीडिएटली ख़त्म कर सकती है, क्योंकि बॉडी के पास मेमोरी सेल पहले से है। बॉडी को पता है कौन से टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है, बॉडी को पता है कौन सा केमिकल सिक्रीट करना है, बॉडी इमीडिएटली केमिकल सिक्रीट करती है और उसको खत्म कर देती है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं इट इज द, यहाँ पे हम बोलते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है एक्टिव इम्यूनिटी, जहाँ पे बॉडी एक्टिवली एंटीबॉडी सिक्रीट करती है किसी भी एंटीजेनिक स्टिमुलस के अगेंस्ट, कोई भी एंटीजन आता है तो बॉडी एक्टिवली उसको खत्म करने के लिए हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है। ठीक है, नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी एक्वायर्ड ड्यू टू इन्फेक्शन इज कॉल्ड एज नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। तो जब भी हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन की वजह से इम्यूनिटी डेवलप होती है, इन्फेक्शन यानी क्या हो गया, कोई डिजीज, मान लो कोलेरा हो गया, टाइफॉइड हो गया, कोरोना हो गया, ये जो डिजीजेस अगर हो गए तो उसके वजह से, डिजीज होने के कारण हमारी बॉडी में इम्यूनिटी भी तो डेवलप हुई, हमारी बॉडी में मेमोरी सेल भी बने, हमारी बॉडी में एंटीबॉडी भी बने, तो ये इम्यूनिटी एक डिजीज के कारण हुई, नेचुरली हुआ डिजीज, कोई खुद से करवाता है क्या, चलो भाई आज मेरे को कोरोना करवा लो थोड़ा सा क्योंकि इम्यूनिटी डेवलप करनी है, नहीं। ठीक है, तो ये डिजीज नेचुरली हो जाता है, नेचुरली होने वाले इसमें है। तो नेचुरल इन्फेक्शन जब हमें कभी भी होता है कोई भी, तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी इम्यूनिटी डेवलप करती है, जिसको हम बोलते हैं दैट इज एक्टिव
नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो इट इज लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी, काफी लंबे समय तक चलती है ये। एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पे, इफ अ पर्सन हु हैज रिकवर्ड फ्रॉम द अटैक ऑफ मीजल्स, तो मीजल्स वायरस के अटैक से अगर कोई पर्सन अभी अभी रिकवर हुआ है, मतलब उसको आगे आने वाले टाइम में कभी भी मीजल्स ये डिजीज होगा क्या? नहीं। तो इफ अ पर्सन हु हैज रिकवर्ड फ्रॉम द अटैक ऑफ मीजल्स डेवलप नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी टू मीजल फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर लाइफ टाइम, तो लाइफ टाइम के लिए उसको मीजल नहीं होगा। अगर बशर्ते उसकी इम्यूनिटी इतनी वीक है, इतनी वीक, तो हो सकता है कि उसको फ्यूचर में भी मीजल हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। नेचुरल एक्टिव तो हमने पढ़ लिया, अब आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियली कैसे होगी? हम अपने बॉडी में जानबूझ के कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई ऐसा पैथोजन डालेंगे जिससे हमारी बॉडी में इम्यूनिटी हो पाए, इम्यूनिटी आ पाए, ताकि हमारा बॉडी उस बैक्टीरिया वायरस को रिकॉग्नाइज करे आराम से और हमारी बॉडी उसके लिए इम्यूनिटी मेमोरी सेल बना के रख ले। उसी को हम बोलते हैं वैक्सीन, वैक्सीनाइजेशन, ठीक है, वैक्सीनेशन। तो हमारी बॉडी में आजकल हम बहुत सुन रहे हैं कोरोना का वैक्सीन आया, वैक्सीन आया। तो कोरोना का वैक्सीन में आपके बॉडी में कोरोना ही डालने वाले हैं, कोरोना का वायरस ही आपके बॉडी में जाने वाला है, बशर्ते ये वायरस जो है ये इनएक्टिव होने वाला है, इनएक्टिव, अटेन्यूएटेड। अटेन्यूएटेड का मतलब है इनएक्टिव वायरस, किल्ड वायरस, या उसका कोई प्रोटीन पार्ट, वायरस का कोई प्रोटीन पार्ट या वायरस का कोई पूरा का पूरा इनएक्टिव फॉर्म हमारे बॉडी में डाला जाता है। हमारी बॉडी में वो वायरस इनएक्टिव होता है तो कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं करता, तो हमारी बॉडी आराम से 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन लेके आराम से उसको रिकॉग्नाइज करती है, आराम से उसके लिए एंटीबॉडी बनाती है, आराम से उसके लिए मेमोरी सेल बनाती है और उस वायरस को जो आया है उसको किल कर देती है, ठीक है। लेकिन उसके बाद वही सेम वायरस जब फ्यूचर में आता है तो वो हमारे बॉडी में टिक नहीं पाता, क्योंकि हमारे बॉडी के पास उसकी मेमोरी पहले से है। हमारी बॉडी इमीडिएटली उसके लिए एंटीबॉडी बनाती है और जो लाइव वायरस आया है, लाइव कोरोना वायरस, लाइव कोई हेपेटाइटिस बी का वायरस, लाइव पोलियो वायरस अगर आता है तो उसको इमीडिएटली हमारी बॉडी किल कर देती है, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल मेथड है, मतलब ये हम खुद से करते हैं, ठीक है, खुद से करते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, इट इज द रेजिस्टेंस इंड्यूस्ड बाय द वैक्सीन्स। तो वैक्सीन से रेजिस्टेंस इंड्यूस किया गया है, रेजिस्टेंस को बढ़ाया गया है जबरदस्ती बाय वैक्सीन, वैक्सीन को डाला गया है, वायरस को डाला गया है बॉडी में, ठीक है, जिससे कि हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाए और हमें उसके लिए रेजिस्टेंस मिले, हमें आगे आने वाले टाइम में उसके लिए इम्यूनिटी मिल जाए, ठीक है। वैक्सीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी टू स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज बाय द इम्यून सिस्टम। तो वैक्सीन को डाला जाता है बॉडी में ताकि बॉडी एंटीबॉडी बना पाए, ताकि आगे आने वाले टाइम पे वो इन्फेक्शन ना हो। एग्जाम्पल है पोलियो वैक्सीन, ठीक है, बीसीजी वैक्सीन। सच इम्यूनिटी में बी टेम्पररी और परमानेंट। तो ये इम्यूनिटी टेम्पररी भी हो सकती है, जैसे हेपेटाइटिस बी का अगर हम वैक्सीन लेते हैं तो उसकी वैलिडिटी 3 साल की होती है, हर 3 साल में हेपेटाइटिस बी वायरस की हमें वैक्सीन लेनी होती है। लेकिन पोलियो की वैक्सीन एक बार ले लो तो लाइफ टाइम के लिए, बीसीजी की वैक्सीन एक बार ले लो लाइफ टाइम के लिए, ये यहाँ पे काम करती है, ठीक है। लेकिन कुछ वैक्सीन जो है टेम्पररी होती है और कुछ वैक्सीन जो है वो परमानेंट होती है। जैसे अभी ये कोरोना की भी वैक्सीन आई है, आप इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकालिए, ये वैक्सीन जो है ये टेम्पररी है, कुछ महीनों, कुछ साल के लिए है या पूरी लाइफ टाइम के लिए, एक बार ले लो तो एक बार लगा डाला लाइफ झिंगा लाला वैसी वैक्सीन है या फिर बार बार लगानी पड़ेगी, ठीक है, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में। तो ये भी आप इन्फॉर्मेशन थोड़ा निकाल लो, मेरे को अभी फिलहाल कोई आइडिया नहीं है इसका, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। अब हमने बोला एक्टिव इम्यूनिटी में हमारी बॉडी एक्टिव रोल प्ले करती है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है। पैसिव इम्यूनिटी में ऐसा नहीं होता, हमारी बॉडी एक्टिवली एंटीबॉडी नहीं बनाती, आवर बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडी एट ऑल यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कहाँ से मिल रही है, रेडीमेड एंटीबॉडीज से। रेडीमेड एंटीबॉडी अगर बाहर से आएगी तो वो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी, तो यही है। इट इज एक्वायर्ड व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर रिसीव्ड बाय द बॉडी सेल। तो हमारे बॉडी सेल जब रेडीमेड एंटीबॉडी कहीं से रिसीव करेंगे तो ऐसी इम्यूनिटी को हम बोलेंगे पैसिव इम्यूनिटी। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल हमको कोई बीमारी होगी, टाइफॉइड हो गया, कोलेरा हो गया, हम गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर क्या करता है हमें लगा देता है सुई, इंजेक्शन। वो सुई में होता क्या है एक्चुअली, दीज आर नथिंग बट द एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो एंटीबॉडीज जो लगाते हैं हमारे बॉडी में, एंटीबॉडी जो डाली जाती है, वो एंटीबॉडी कहीं ना कहीं किसी ऑर्गेनिज्म में पहले बनी होगी, ठीक है। तो किसी ऑर्गेनिज्म की एंटीबॉडी ली जाती है, हमारे बॉडी में डाली जाती है, जिसके वजह से हमारी बॉडी में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन, एंटीबॉडी का जो अमाउंट है वो बढ़ता है और वायरस या बैक्टीरिया का अमाउंट कम रहता है। तो ऐसे में वो एंटीबॉडी ज़्यादा होने के कारण वायरस या बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करती है। तो सिंपल सी बात है, जब हम किसी भी एंटीबॉडी को बाहर से डालते हैं तो ऐसी इम्यूनिटी को हम बोलते हैं पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है।
तो इट इज अ पैसिव टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी जहां पे रेडीमेड एंटीबॉडीज आर रिसीव्ड बाय द बॉडी सेल्स, ठीक है। डू नॉट टेक एनी एक्टिव पार्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनिटी, कोई भी एक्टिव पार्ट यहाँ पे ये नहीं लेती, पार्टिसिपेट नहीं करती बॉडी, कोई भी एक्टिव पार्ट नहीं लेती एंटीबॉडी प्रोडक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये भी दो टाइप की होती है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। जैसे पहली वाली हमने देखा एक्टिव भी दो टाइप की थी, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, तो पैसिव इम्यूनिटी भी दो टाइप की है, एक्टिव एंड नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी क्या है, नेचुरली है ये बट पैसिव है। पैसिव मतलब रेडीमेड एंटीबॉडी हमको मिलेगी लेकिन नेचुरली मिलेगी भाई, नेचुरली, हम डॉक्टर के पास से नहीं लेंगे जाके कि दे दो, नेचुरली आएगी हमारे पास, कैसे, बाई मदर। तो जब मदर जो है, जब मदर के बॉडी में फीटस फॉर्म हो रहा होता है, जब बच्चा प्रोड्यूस हो रहा होता है मदर के बॉडी में, तो प्लासेंटा से कुछ एंटीबॉडी फीटस के बॉडी में आती है। तो हम जब पैदा हुए उसके टाइम पे हमारे मदर की प्लासेंटा से कुछ एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में आई, जिससे हमें उस टाइम के लिए कुछ 5-6 महीनों के लिए हमें डिसीज से लड़ने की ताकत मिल गई, ठीक है। दूसरी चीज, जब मदर ब्रेस्ट फीडिंग करती है यानी मिल्क फीड करती है अपने चाइल्ड को, तो पहला जो मिल्क होता है माँ का, पहला दूध, उसको बोला जाता है कोलोस्ट्रम। और कोलोस्ट्रम में भी बहुत सारी एंटीबॉडीज होती है जिसके वजह से चाइल्ड को सर्वाइव करने में हेल्प होती है स्टार्टिंग के कुछ महीने कुछ साल, ठीक है। तो ये एंटीबॉडीज जो है मदर के बॉडी से रेडीमेड, मदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रही है, मदर मेहनत कर रही है, मदर की एंटीबॉडी रेडीमेड चाइल्ड में आ रही है, ठीक है। अब चाइल्ड ऐसा थोड़ी बोलेगा कि नहीं चाहिए मेरे को एंटीबॉडी, मत दो, ठीक है, वो तो आएगी बिकॉज इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। तो नेचुरली जब रेडीमेड एंटीबॉडी हमारे बॉडी में आती है, तब ऐसे एंटीबॉडीज को हम, ऐसे इम्यूनिटी को हम बोलते हैं यहाँ पे नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। बिफोर बर्थ मैटरनल एंटीबॉडीज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू फीटस थ्रू प्लासेंटा। तो बर्थ के पहले मदर से कुछ एंटीबॉडी फीटस में आती है बाय प्लासेंटा। आफ्टर बर्थ एंटीबॉडी ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू इन्फेंट, इन्फेंट यानी जो नया नया बेबी फॉर्म हुआ है उसको इन्फेंट बोलते हैं, तो ये ट्रांसफर होती है बाय कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम क्या होता है, दैट इज फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर, फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर, ठीक है, बाय ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग के, जब तक ब्रेस्ट फीडिंग होती है तब तक ये एंटीबॉडी जो है बॉडी में बहुत ज्यादा होती है चाइल्ड की, और कुछ 1-2 साल तक डिजीजेस से लड़ने में चाइल्ड की मदद करती है, ठीक है। द एंटीबॉडीज रिसीव्ड बाय द बेबी फ्रॉम द मदर रिमेन इन द बॉडी फॉर अ शॉर्ट टाइम। तो शॉर्ट टाइम यानी 1-2 साल तक ये बॉडी में रहती है, डिजीजेस से लड़ने में मदद करती है, ठीक है। एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी इज शॉर्ट लिव्ड, इसीलिए ये इम्यूनिटी शॉर्ट टाइम के लिए होती है, ज्यादा लंबे समय तक हमको ये एंटीबॉडीज बचा नहीं सकती। तो 2-2.5-3 साल तक हम बच सकते हैं इस एंटीबॉडी के कारण, लेकिन उसके बाद डिजीज के लिए ससेप्टेबल होते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद थोड़ी हमारी भी इम्यूनिटी स्ट्रांग होने लगती है भाई, हम भी बढ़ने लगते हैं, ठीक है। तो ये पहले शॉर्ट पीरियड में, छोटे टाइम पे ये एंटीबॉडीज हमको बचाने में हेल्प करती है, और ये एंटीबॉडी नेचुरली हमारी बॉडी में नहीं बन रही है, मदर के बॉडी से आ रही है, ठीक है। मदर के बॉडी से रेडीमेड आ रही है इसलिए पैसिव इम्यूनिटी है, नेचुरली आ रही है इसलिए नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है, ठीक है। आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियली अब पैसिव इम्यूनिटी हम ले रहे हैं आर्टिफिशियली, ठीक है, वो हमारे कंट्रोल में, लेना है नहीं लेना है आर्टिफिशियली। तो जब कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म एंटीबॉडी बना रहा है, उस एंटीबॉडी को हम अपने बॉडी में डाल रहे हैं, ठीक है। जब डॉक्टर के पास जाते हैं, हमको कोई डिजीज होता है, टाइफाइड, बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी वायरस से डिजीज होता है, बैक्टीरिया से डिजीज होता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर लगाता है सुई, सुई में होती है एंटीबॉडीज, ठीक है। तो जो इंजेक्शन हमें लगता है उसमें एंटीबॉडीज होती है बेसिकली, तो वो एंटीबॉडीज हाइपर इम्यूनाइज हॉर्सेस से निकाली जाती है, या अब आजकल तो एंटीबॉडी बैक्टीरिया से भी बनाई जाती है, ठीक है। तो हॉर्सेस से, हॉर्स के बॉडी में एंटीजन डाला जाता है, देखो होता क्या, हॉर्स जो है घोड़ा, उसके बॉडी में डाले जाते हैं एंटीजन, एंटीजन यानी बैक्टीरिया। अगर तुमको कोलेरा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल तुमको हुआ है कोलेरा, कोलेरा के एंटीजन, कोलेरा का वायरस, बैक्टीरिया जो है वो डाला जाता है किसके बॉडी में, हॉर्स के बॉडी में। हॉर्स जो है बड़ा तगड़ा एनिमल है, तो वो बहुत सारी एंटीबॉडीज बनाता है, हॉर्स का ब्लड कलेक्ट किया जाता है, ब्लड में से एंटीबॉडी सेपरेट की जाती है, और वो एंटीबॉडी ऐसे मेरे जैसे कमजोर कोलेरा वाले पेशेंट को दी जाती है, जो कोलेरा लेके चले गया है डॉक्टर के पास, भैया कोलेरा हो गया है, बहुत तकलीफ हो रही है, सारा पानी लॉस हो रहा है बॉडी से, समझ जाओ, ठीक है। अब ऐसे में वो पर्सन को फिर वो कोलेरा के जो भी एंटीबॉडी हॉर्स से निकाली गई है वो डाली जाती है हमारे बॉडी में, हमारी बॉडी में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन, एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा हो गया है अभी, और वायरस, बैक्टीरिया कम है, तो बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती है एंटीबॉडी और हम ठीक हो जाते हैं। तो ये एंटीबॉडी डॉक्टर हमें देता है, मतलब हमारे बॉडी में बाहर से आती है, ठीक है। तो ये अगेन आर्टिफिशियल टाइप है, क्योंकि ये हमें लेना है नहीं लेना है हमारे कंट्रोल में है, ठीक है, आर्टिफिशियली हो रहा है ये प्रोसेस, ठीक है। और ये जो है ये पैसिव टाइप का इम्यूनिटी है, क्योंकि इसमें भी एंटीबॉडी हमारी खुद की बॉडी नहीं बना रही, खुद की बॉडी एंटीबॉडी बना रही है क्या, नहीं, तो ये एंटीबॉडी बाहर से आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे दिस इम्यूनिटी इज डेवलप्ड बाय द इंजेक्टिंग प्रीवियसली प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी यूजिंग सीरम ऑफ फ्रॉम ह्यूमंस और एनिमल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे इस इम्यूनिटी में ये इम्यूनिटी ऐसे डेवलप होती है बाय इंजेक्टिंग प्रीवियसली प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी, जो पहली एंटीबॉडी प्रिपेयर कर चुके थे हम घोड़े में वगैरह, ठीक है, बैक्टीरियाज में,
उन एंटीबॉडीज को हम अपने बॉडी में इंजेक्ट करते हैं बाय इंजेक्टिंग प्रीवियसली प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी यूजिंग सीरम फ्रॉम ह्यूमंस। तो ह्यूमंस के अंदर से भी एंटीबॉडी ली जा सकती है और एनिमल्स से भी। जैसे आजकल कोरोना में प्लाज्मा डोनेशन बहुत सुन रहे होंगे आप। प्लाज्मा डोनेशन का मतलब है एंटीबॉडी डोनेशन। सिंपल सी बात है, अगर मेरे को कोरोना हो गया, ठीक है, अब मैं कोरोना से ठीक हो गया, मेरे को कोरोना हुआ था, मैं कोरोना से ठीक हो गया, मेरे बॉडी में एंटीबॉडीज होगी कोरोना के वायरस के अगेंस्ट, तो मेरे बॉडी से ब्लड कलेक्ट किया जाएगा, ब्लड में से प्लाज्मा निकाला जाएगा, प्लाज्मा में होती है एंटीबॉडीज, ठीक है, और ये प्लाज्मा चढ़ाया जाएगा ऐसे पेशेंट को जिसको कोरोना है, जो बेचारा अभी भी बीमार पड़ा है। तो बीमार पड़ा है मतलब उसके बॉडी में एंटीबॉडी कम है, वायरस ज़्यादा है। तो अगर मेरी एंटीबॉडी उसको चढ़ेंगी ज़्यादा, तो एंटीबॉडी ज़्यादा हो जाएंगी, वायरस कम हो जाएगा और वायरस को एंटीबॉडी खत्म कर देगी, ठीक है। तो इस तरीके से किसी ह्यूमन से एंटीबॉडी कलेक्ट कर सकते हैं हम डिजीज के लिए, किसी एनिमल से कलेक्ट कर सकते हैं, और ये एंटीबॉडी उन लोगों को चढ़ा सकते हैं जो जिनको इसकी ज़रूरत है, जो अभी डिसीज से सफ़र कर रहे हैं बेचारे, जैसे कोरोना पेशेंट अभी कोरोना से सफ़र कर रहे हैं, तो उनको ऐसे लोगों की एंटीबॉडी दी जा रही है जो पहले कोरोना से ठीक हो चुके हैं। मान लो दो लोग हैं जो कोरोना से पहले ठीक हो चुके हैं, उनको बोला कि भाई तुम्हारा ब्लड दो 400 ml इनका ब्लड लिया जाता है, वहाँ से एंटीबॉडी सेपरेट की जाती है, और ये सेपरेटेड एंटीबॉडी जो बेचारे कोरोना से अभी भी ग्रस्त है, अभी भी कोरोना से जूझ रहे, उनको ये एंटीबॉडीज चढ़ाई जाती है और उनको ठीक किया जाता है, ठीक है। ऐसे टाइम पे थोड़ी बोलोगे तुम, अब इंडिया में इतना कास्टिज्म है, इस कास्ट का नहीं चलेगा, उस कास्ट का नहीं चलेगा, ऐसे टाइम पे बोलोगे जब कोरोना से मर रहे होंगे कि ये कास्ट का एंटीबॉडी नहीं चाहिए मेरे को, ये देने वाला ये कास्ट का है, वो कास्ट का है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक इंडिया में प्रॉब्लम चलता है। तो उसी से मैं बोला कि जब भी हम किसी से ब्लड लेते हैं, जब किसी की मदद लेते हैं मेडिकल कंडीशंस में, तब हम ऐसा नहीं बोलते, ठीक है। चलो जान दो, ये ऑफ द टॉपिक हो गया। अब यहाँ पे मैंने ये डायग्राम निकाली है, इस डायग्राम से आपको समझ में आएगा बेटर वे में, इस डायग्राम से बेटर वे में समझ में आएगा। सो ये डायग्राम आप देख सकते हैं, इसमें हम बात कर रहे हैं इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी दो टाइप की होती है यहाँ पे, इम्यूनिटी आर ऑफ टू टाइप, इननेट इम्यूनिटी, ठीक है, एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी हम बोलते हैं इनबॉर्न इम्यूनिटी है, बाय बर्थ हमारे बॉडी में ये इम्यूनिटी होती है, कुछ बैरियर्स की वजह से ये इम्यूनिटी जो है वर्क करती है। एपिथेलियल बैरियर्स हमने देखा, एपिथेलियल स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, उसके अलावा हमने कुछ सिस्टम्स, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स की वजह से, ब्लड प्रोटीन्स की वजह से कुछ बैरियर फॉर्म होते हैं, कुछ हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं फैगोसिटिक सेल्स, ठीक है, कुछ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, ठीक है, एंटीजन प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, तो ये सारे जो है ये सारे बैरियर्स हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमने देखा एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो बॉडी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है एंटीबॉडी प्रोडक्शन में, ठीक है, और पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो कि बॉडी में बिल्कुल एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करती, रेडीमेड एंटीबॉडी यहाँ से हमको मिलती है। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो टाइप है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल इम्यूनिटी में हम देखते हैं कि हमको कोई इन्फेक्शन, कोई डिजीज होता है, तब जाके हमारी बॉडी में इम्यूनिटी खुद से फॉर्म होती है, प्रोड्यूस होती है। आर्टिफिशियल में हम क्या करते हैं, बाहर से वायरस बैक्टीरिया जानबूझ के डालते हैं कि भाई जा अंदर और हमारी इम्यूनिटी को जागरूक कर दे, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा दे, ठीक है, हमें कुछ इम्यूनिटी डेवलप कर दे, ठीक है, तो दैट इज आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, दैट इज वैक्सीनेशन इसमें होता है, ठीक है। पैसिव में हम भी देखते हैं कि हमारी बॉडी कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करती, पैसिव में हमारी बॉडी कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन यहाँ पे नहीं कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रेडीमेड एंटीबॉडीज आ रही है बॉडी में, कहाँ से आ रही है, या तो नेचुरली आ रही है या तो आर्टिफिशियल। नेचुरली आएगी तो बाई मदर से आएगी, मदर से कैसे, बाई प्लासेंटा या बाई मिल्क, ठीक है। आर्टिफिशियली आएगी तो रेडीमेड एंटीबॉडीज आएगी, बाई हॉर्स, बाई अदर एनिमल, बाई बैक्टीरियाज एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इम्यूनिटी का ये जो पूरा टॉपिक है ये खत्म हो चुका है। आई होप वीडियो लेक्चर जो है आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे हमारे चैनल के साथ बने रहिए, दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करते रहिए, जिंदगी के मजे लेते रहिए और खुश रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।